इंजन के अंदर जो फ्यूल सप्लाई दी जाती है उसे मॉनिटर करता है ECU यानी इंजन कंट्रोल यूनिट, और ECU से कनेक्ट होते हैं सेंसर, जैसे कि थ्रोटल बॉडी सेंसर हो गया, एक्सेलरेशन पैडल सेंसर हो गया, और इनकी पोजीशन को डिटेक्ट करके फ्यूल सप्लाई दी जाती है इंजन के अंदर। पहले के जो इंजन थे अकॉर्डिंग टू लोड फ्यूल सप्लाई देना काफी मुश्किल था, तो उसके लिए बनाया गया गवर्नर्स। जो गवर्नर्स है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करते हैं। गवर्नर्स कनेक्ट होते हैं थ्रोटल बॉडी से। जब भी इंजन पे लोड होता है तो यानी जो इंजन की स्पीड होती है वो कम हो जाती है लोड के कारण, तो इससे क्या होता है गवर्नर्स कम स्पीड में घूमता है तो इसकी जो बॉल्स है वो कम खुलते हैं, और गवर्नर्स कनेक्ट होते हैं थ्रोटल बॉडी से, जिससे कि थ्रोटल बॉडी ज़्यादा खुला रहता है और फ्यूल सप्लाई ज़्यादा अंदर जाती है इंजन के अंदर। अगर इंजन पे लोड कम होता है तो इंजन की स्पीड जो होती है बढ़ जाती है, जिससे कि गवर्नर्स काफ़ी तेज़ी से घूमते हैं और उसके जो बॉल्स हैं वो आउटवर्ड हो जाते हैं, और गवर्नर्स थ्रोटल बॉडी कनेक्ट होने के कारण वो कम खुलता है थ्रोटल बॉडी, जिससे क्या होता है फ्यूल सप्लाई कम जाती है इंजन के अंदर। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।